हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग कृष्णा, अजीत एंड पल्लवी। आई गेस एवरीथिंग फाइन, ऑडिबल एंड विजिबल। लेट मी नो वंस इज एवरीथिंग फाइन। गुड इवनिंग एवरीवन वंस अगेन। तो हम लोग आइडियल्स के ऊपर पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे, है ना। आज के लेक्चर में हम मैक्सिमल आइडियल के ऊपर बात करने वाले हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, कुछ लोगों ने शायद आंसर किया। आपको सबको करना चाहिए आंसर। जब भी मैं क्वेश्चन कोई होमवर्क में देता हूँ, जितने लोग भी कम से कम आप देखते हो, सबको आपको आंसर करना चाहिए। आपका क्या मतलब लॉजिक है वो भी आपको बताना चाहिए कि कैसे आप सोचते हो, है ना। तो शुड बी स्टार्ट। तो पहले वही क्वेश्चन आप डिस्कस कर लेते हैं जो कि कल मैंने दिया था आपको। जस्ट सिंपल क्वेश्चन था कि ये जो आपको एक सबसेट दिया गया है C01 का, क्या ये आइडियल बनेगा, ये पूछा था, राइट। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल रिकॉल फ्यू थिंग्स, या फिर पहले रिकॉल कर देते जो भी कल हमने किया था। जल्दी से इसको रिकॉल कर देते हैं। लेट मी से क्या क्या हमने देखा था। रिंग की डेफिनेशन देखी थी, उम्मीद करता हूं वो सबको पता है, है ना। फिर उसके बाद में आइडियल क्या था। अगर कोई भी लेट से ये रिंग हमारा आर था, ये हमारा कोई सबसेट उसके अंदर कंसीडर किया, यहां से अगर कोई एलिमेंट ले या फिर कहीं से भी, और एक एलिमेंट यहां से लो, तो ये जो आर एस आपका है ये भी अंदर होना चाहिए, एस आर भी होना चाहिए, तो उसको आइडियल बोलते हैं, है ना। फिर हमने देखा कि जेड के आइडियल्स क्या थे। एमजेड टाइप का कोई भी आप सबरिंग कंसीडर करोगे तो हर एक सबग्रुप सबरिंग होता है, आइडियल होता है। जेड एन का भी वही देखा हमने, है ना। जेड एन के पास टोटल कितने आइडियल्स होंगे, टाउ एन, क्योंकि वो सारे सबग्रुप्स होते हैं, सारे सबग्रुप्स ही आइडियल बन जाते हैं, है ना, वो देखा हमने। और फिर अगर कोई लेट से एक एस सबरिंग है आर का, राइट, और एक आइडियल है एस प्लस आई, तब ये एस प्लस आई क्या बन जाता है, ये भी सबरिंग बन जाता है ना। पर इन जनरल अगर आप दो सबरिंग लेते हो एस वन प्लस एस टू, दिस मे नॉट बी ए सबरिंग, राइट, may not be a subring, ये जरूरी नहीं है, है ना। कुछ और पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। फिर एक लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि ये जो सबसेट है आपका C01 का आइडियल है या नहीं है, उस पर बात करनी थी। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं इसको। C01 में सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन द क्लोज्ड इंटरवल 0,1 वो है, इसको चेक करना है कि आइडियल है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको क्लोज्ड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सबट्रैक्शन, ऑब्वियसली हो जाएगा ये, राइट। अगर मैं दो फंक्शन लेट मी से एफ जी कंसिडर कर लेता हूँ आई से, तो ये क्या सेटिस्फाई करेंगे, एफ ऑफ 1/2 पे ये दोनों जीरो होंगे, एफ ऑफ 1/2 एंड जी ऑफ 1/2 वो थर जीरो, राइट, 1/2 पे दोनों वैनिश हो जाएंगे। नाउ अब क्या करना है, डिफरेंस हमें देखना है कि ये आपका आई में है कि नहीं है। तो आई में होने के लिए 1/2 पे ये भी जीरो होना चाहिए। तो अगर 1/2 पे वैल्यू निकालेंगे, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ 1/2 माइनस जी ऑफ 1/2, सिंस ये दोनों ही जीरो है, सो दिस इज इक्वल्स टू अगेन जीरो। अब आइडियल दिखाने के लिए क्या करना है कि C01 से एक फंक्शन लेना है अपने को, और एक यहां से फंक्शन लेना है ना। तो C01 से एक फंक्शन लेट मी से जनरल मैंने ले लिया f belongs to C01, this is a continuous function on the closed interval 0,1, है ना। एक यहां से ले लिया, यहां पे भी continuous function closed interval 0,1 में ही होगा, पर वो 1/2 पे 0 होगा। सो लेट मी से यहां पे f लिखा है, तो इसको आप मैं कुछ नाम इसको g दे देता हूं, राइट, क्योंकि f यहां पे लिखा है, तो इसको f ले लेते हैं। एंड लेट सपोज दैट f belongs to i, राइट, implies that f of 1/2 is जीरो। अब हमें क्या वेरीफाई करना है कि जी इंटू एफ या फिर एफ इंटू जी, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव रिंग है, तो या तो एफ इंटू जी या फिर जी इंटू एफ, दोनों में से एक भी दिखा दोगे, देन वी आर डन, राइट। गुड इवनिंग एंड राधे राधे सस्सी क्लास, राइट। नाउ अपन को क्या करना है, एफ इंटू जी देखते हैं। तो एफ इंटू जी कॉन्टिन्यूस अगर फंक्शन है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी, जो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, वो भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो C01 का तो ये होगा ही, क्योंकि वो रिंग भी है, तो वो बात करने की जरूरत भी नहीं है उसके लिए, है ना। क्या हमें देखना है कि ये f इंटू जी जो आपका आ रहा है, ये आपका i के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये क्या होना चाहिए, 1/2 पे केवल जीरो होना चाहिए, बस ये इनफ है इसके लिए। तो इसको कैसे डिफाइन किया, f ऑफ 1/2 इंटू जी ऑफ 1/2, राइट। अब जी ऑफ 1/2 जीरो है या फिर नहीं है, पर चूंकि f ऑफ 1/2 ये जीरो है, क्योंकि f हमारा कहां से आ रहा है, i से आ रहा है, तो बिकॉज ऑफ f दिस इज जीरो इंटू जी ऑफ 1/2, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि f इंटू जी This belongs to I, right? मतलब अगर कोई भी हम C01 से फंक्शन ले, यहां से कोई फंक्शन ले, उनका ऑपरेशन कराने के बाद जो फंक्शन देखेंगे उससे I में आ जाएगा। तो ये आइडियल है, है ना। इसी आइडियल के बारे में जब हम मैक्सिमल आइडियल अभी पढ़ेंगे, तो वहां पे इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या ये मैक्सिमल आइडियल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा आइडियल को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एंड कुछ एक पॉइंट जो पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे आइडियल के ऊपर, तो उनके कुछ पॉइंट है फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे लास्ट में मैंने डिस्कस किया था, if s is a subring and i is an ideal of r, then s intersection i is an ideal of s। उम्मीद करता हूं कि आपने वेरीफाई किया हो, ये कमेंट करके मुझे बताओगे आप में से कितने लोगों ने ये वेरीफाई किया।
क्योंकि ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार इसको कम से कम आप वेरीफाई करो कि एस इंटरसेक्शन आई इज एन आइडियल ऑफ एस। अगर आप में से किसी ने भी किया है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, ठीक है। तो अगर एक सबरिंग है एक आइडियल है तो उनका इंटरसेक्शन जो होता है वो भी आपका एस का आइडियल बनेगा, आई का ही आइडियल नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुड इवनिंग शबना, फाइन। उसके बाद में इफ ए रिंग, ये कुछ और पॉइंट्स है, इफ ए रिंग हैज एग्जैक्टली टू आइडियल्स इट मे नॉट बी ए फील्ड। तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर कोई फील्ड है तो उसके पास एग्जैक्टली दो आइडियल होंगे, पर अगर कोई रिंग है जिसके पास दो आइडियल है तो वो जरूरी नहीं कि वो फील्ड होगा, ठीक है। सो वी कैन हैव एन एग्जांपल, लेट मी से टू के लिए हम एक काउंटर एग्जांपल देते हैं। लेट अस से इफ आई कंसीडर, लेट मी से जेड सिक्स रिंग, ओके। जेड सिक्स में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 and 5, राइट। इसका एक सब रिंग कंसिडर कर लेता हूँ, लेट मी से 3Z6। 3Z6 जब आप निकालोगे तो 0 और 3 के अलावा और कुछ भी नहीं इसमें आएगा, am I right or not? 0 and 3 ये दो एलिमेंट होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये भी एक रिंग है, this itself, this is a ring, right? ये आपका रिंग है। इसके पास अगर मैं आपसे पूछूं कि किसके पास कितने आइडियल्स है, दिस विल हैव ओनली टू आइडियल्स, क्योंकि दो ऑर्डर का ये रिंग है, इसके पास दो एलिमेंट है, तो इसके पास एक 0 होगा और एक 3Z6, केवल ये ही दो आइडियल है इसके पास, और कोई भी इसके पास आइडियल नहीं है, है कि नहीं है, राइट। केवल इसके पास दो ही आइडियल, एक खुद ही और एक है 0। पर क्या ये फील्ड है, इज इट अ फील्ड, इट इज नॉट अ फील्ड, राइट, इट इज नॉट अ फील्ड, इट इज नॉट ए फील्ड। क्यों नहीं है, कोई बताना चाहेगा मुझे, व्हाई दिस इज नॉट ए फील्ड, व्हाई दिस इज नॉट ए फील्ड, दिस इज नॉट ए फील्ड बिकॉज दिस इज नॉट ए सी आर यू, दिस इज नॉट ए कॉमिटेटिव रिंग विद यूनिटी, इसके पास यूनिटी एलिमेंट ही नहीं है। अब आप सोचिए और बताइए कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो किसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर फिर से वही दे दे। यूनिटी एलिमेंट कभी 0 तो हो नहीं सकता, अगर हो सकता है तो वो क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, पर 3 है नहीं। अगर मैं 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो फिर से 3 आना चाहिए, राइट। पर 3 3 9 9 मॉडुलो 6 करने पर अलग ही 3 आ जाएगा, यूनिटी एलिमेंट का मतलब ओके। राइट, वैसे यूनिटी एलिमेंट ये हो जाएगा, ओके, राइट, फाइन, ओके। वैसे ये लिंक विद यूनिटी भी हो जाएगा, राइट, इट कैन बी फील्ड। एक दूसरा बनाने की कोशिश करते हैं एग्जांपल, लेट मी थिंक अबाउट दिस, शायद ये आपका फील्ड भी बन जाएगा, जेड टू के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। बट इफ आई कंसीडर, लेट मी से जेड फोर ले लेते हैं, ठीक है। जेड फोर में हमारे पास क्या होगा, 0, 1, 2, 3, राइट। इसका एक बनाते हैं, लेट मी से 2Z, आपका फील बन सकता है, ठीक है। तो इसको छोड़ दो, इसको कंसीडर करते हैं, Z4 में 0, 1, 2, 3 एंड 2Z4 लोगे तो ये बन गया, दिस इज अवर रिंग। ऑब्वियसली इसके पास भी, क्योंकि दो ऑर्डर का है तो आइडियल इसके पास भी दो ही है, 0 एंड ये खुद 2Z4, इसके अलावा कोई भी इसके पास आइडियल नहीं है, इज इट ओके। नाउ इफ यू सी, दिस इज नॉट ए CRU, इसके पास 0, 2 दो एलिमेंट है, 0 यूनिटी हो नहीं सकता, राइट। 2 अगर आप यूनिटी बनाने का सोच रहे हो, यूनिटी मतलब आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो अगर 2 का आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो फिर से 2 आना चाहिए, राइट। पर 2 2 4 4 मॉडुलो 4 इज 0, तो दिस इज नॉट ए CRU, इट हैज डज नॉट हैव यूनिटी, दिस डज नॉट हैव यूनिटी, यूनिटी तो इसको हटा दो, दिस डज नॉट हैव यूनिटी। जब इसके पास यूनिटी एलिमेंट नहीं है तो जब ये CRU ही नहीं है, सो दिस इज नॉट ए फील्ड, दिस इज नॉट ए फील्ड। तो क्या समझ आया यहां से, अगर कोई हम जनरल रिंग कंसीडर करते हैं तो उसके पास अगर एग्जैक्टली दो आइडियल है, लेट्स से 0 एंड एफ इटसेल्फ, राइट, तो जरूरी नहीं कि वो फील्ड होगा। अगर कोई रिंग हमने कंसीडर किया जिसके पास दो आइडियल है तो जरूरी नहीं है कि वो फील्ड होगा। पर अगर आप CRU कंसीडर करते हो, अगर आपने कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी लिया, जो कि पॉइंट लास्ट थर्ड पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ए CRU इज ए फील्ड इफ एंड ओनली इफ इट हैज एग्जैक्टली टू आइडियल। अगर आपने CRU लिया और उसके पास एग्जैक्टली दो आइडियल है तब वो फील्ड बन जाएगा, और फील्ड है तब तो हमें पता ही है कि वो उसके पास दो ही आइडियल्स होते हैं, तो इस तरफ से तो कुछ वेरीफाई करना नहीं है, कल ही हम लोग बात कर चुके हैं ना। अगर हम एक CRU कंसीडर करते हैं, राइट, और उसके पास एग्जैक्टली दो आइडियल है तो वो फील्ड बन जाएगा। इसको जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं, ओके, गिव मी अ सेकंड। तो अगर एक हम CRU कंसीडर करते हैं जिसके पास लेट से एग्जैक्टली दो आइडियल्स है तो अपने आप ही फील्ड बन जाएगा। फील्ड के लिए हमें क्या वेरीफाई करना होता है, हर एक नॉन जीरो एलिमेंट के पास इनवर्स होना चाहिए, यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए, मतलब यूनिट होना चाहिए, नॉट यूनिटी,
राइट. सो लेट्स से आर कैसा है, दिस इज सीआरयू कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड इट हैज एग्जैक्टली टू आइडियल्स, लेट मी से आइडेंटिटी जीरो एंड आर. इसके अलावा और कोई भी इसके पास और आइडियल्स नहीं है, केवल ये दो आइडियल है राइट. तो हमें क्या दिखाना है, दिस इज अ फील्ड, अवर क्लेम इज दिस आर इज द फील्ड. कैसे दिखाएंगे आर फील्ड है, आर फील्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, हर एक नॉन जीरो एलिमेंट के पास इनवर्स होना चाहिए. एक एलिमेंट इसका ले लेते हैं, लेट्स से ए बिलोंग्स टू, लेट मी से ए बिलोंग्स टू आर एक ले लिया एंड ए इज नॉन जीरो एलिमेंट. मैं क्या दिखाना है कि इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा राइट. ओके, अब हमें यह भी पता है कि कोई भी एलिमेंट एक आइडियल जनरेट कर देता है राइट. सो द सेट जनरेटेड बाई ए, दिस इज एन आइडियल, इज एन आइडियल ऑफ आर. और चूंकि ए हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है तो ये जो आइडियल जनरेटेड बाई ए है ऑब्वियसली दिस विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ये जीरो नॉन जीरो एलिमेंट है तो कुछ तो नॉन जीरो एलिमेंट रहेगा ना इसमें. तो इसका मतलब क्या हुआ, और कोई ऑप्शन नहीं है, आर के पास दो ही आइडियल, या तो जीरो या फिर आर जीरो के बराबर, ये हो नहीं सकता. तो आइडियल जनरेटेड बाई ए किसके बराबर हो गया, आर के बराबर हो गया है ना राइट. अब जब आर के बराबर हो गया और ये कैसा है, ये सीआरयू है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, मतलब इसके पास यूनिटी एलिमेंट है. जब इसके पास यूनिटी एलिमेंट है मतलब इसके पास यूनिटी एलिमेंट है, मतलब वन को हम कुछ तो ऐसा रिंग में एग्जिस्ट करेगा. इसके एलिमेंट कैसे, ए आर टाइप के राइट, ए इंटू आर टाइप के. तो कोई एक ऐसा रिंग में एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए इंटू आर इक्वल्स टू वन, या फिर वन इक्वल्स टू ए इंटू आर. अब ये क्या दिखा रहा है, ar equals to 1 ये क्या दिखा रहा है, this is showing that a is the unity element, which implies that a is unit, मतलब r जो आपको ये दिख रहा है इसका multiplicative inverse है, multiplicative inverse exist कर रहा है. this is how we can show that. तो अगर कोई commutative ring with unity है और उसके पास दो ideal है तो वो field होगा, field है तो उसके पास दो ideal होंगे, वो तो बहुत ही clear है, हम कल बात कर भी चुके हैं उसके ऊपर है ना. field है तो दो ideal होंगे, CRU के पास अगर दो ideal है तो वो field होगा. पर इन जनरल अगर कोई रिंग है जो कि सीआरयू नहीं है और उसके पास दो आइडियल है तो जरूरी नहीं कि फील्ड होगा, जिसका कि हमने काउंटर एग्जांपल देखा. उम्मीद करता हूं कि सबको क्लियर है, अगर किसी को कुछ डाउट है, नहीं समझ आया तो बताइएगा मुझे, ठीक है. नाउ वी विल मूव टू मैक्सिमल आइडियल. मैक्सिमल आइडियल क्या होता है किसी भी रिंग का, सबको क्लियर है जो भी हम आइडियल के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है. और अगर कुछ डाउट है तो पूछेगा. तो मैक्सिमल आइडियल सबसे पहले समझ लेते हैं कि मैक्सिमल आइडियल क्या होता है, देन वी विल राइट द डेफिनेशन. तो मैक्सिमल वैसे नाम से ही क्लियर है कि सबसे बड़ा जो आइडियल है उसको अपन मैक्सिमल आइडियल बोलेंगे. मतलब अगर ये रिंग हमारा आर है तो कोई भी एक प्रॉपर आइडियल, आर को तो छोड़ दो, मतलब आर खुद अपने आप का आइडियल है तो उसके मैक्सिमल के लिए बात ही नहीं करेंगे, ठीक है. तो मैक्सिमल की डेफिनेशन में व्हाट बी कंसीडर इज कोई एक प्रॉपर आइडियल, लेट मी से ये एम है, इसको अपन कब बोलेंगे, इट इज अ मैक्सिमल आइडियल अगर M को कंटेन करने वाला, M और R के अलावा कोई और ऐसा आइडियल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए जो M को कंटेन कर सके. मतलब ठीक है, अच्छी बात है, अजीत है, एनएसएससी क्लास फाइन. अगर लेट से कोई ऐसा आइडियल एग्जिस्ट करता है R का जो कि इसको कंटेन करता है, फॉर एग्जांपल लेट मी से दिस इज एम डैश आर का एक आइडियल है जो एम को कंटेन करता है, और एम डैश ना तो आर के बराबर है ना ही एम के बराबर है, तब ये एम जो है मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा. मतलब अगर कोई भी आइडियल है वो मैक्सिमल आइडियल कब होगा, जब आर और एम के अलावा उसको कंटेन करने वाला कोई भी और आइडियल ना हो, देन इट इज अ मैक्सिमल आइडियल. सो सिंपल वही डेफिनेशन जो मैंने बोला उसको लिख लेते हैं राइट. लेट्स से आर इज ए सीआरयू, दिस इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, एन आइडियल एम एंड आइडियल से बेहतर है कि हम क्या लिखे, ए प्रॉपर आइडियल. ओके, ए प्रॉपर आइडियल, ए प्रॉपर आइडियल, क्योंकि हम मैक्सिमल आर को नहीं कंसीडर करते, ठीक है. ए प्रॉपर आइडियल एम ऑफ आर इज सेट टू बी मैक्सिमल इफ देर एग्जिस्ट सम आइडियल, लेट मी से एम डैश, इफ देर एग्जिस्ट एन आइडियल, इफ देर एग्जिस्ट ए आइडियल, एन आइडियल लेट मी से M dash of R such that M is inside M dash, M is inside M dash, then M dash को या तो R के बराबर हो जाना चाहिए, that's M dash is equals to M or M dash is equals to R. मतलब M को
कोई भी प्रॉपर आइडियल कंटेन कर ही नहीं सकता, या तो वो आर खुद, और अगर कोई प्रॉपर आइडियल कंटेन कर रहा है तो वो या तो एम हो जाएगा खुद या फिर आर, इन दो के अलावा और कोई आइडियल नहीं होना चाहिए। अगर वो कंटेन कर रहा है, ऐसा कोई आइडियल एग्जिस्ट कर रहा है, देन इट विल नॉट बी ए मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। ओके, जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला बेहतर एग्जांपल देखो, ये बहुत ही आसान है, इसको देखना। जीरो इज ऑलवेज ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ एनी फील्ड एफ, राइट, क्योंकि कोई भी अगर हम फील्ड एफ कंसिडर करेंगे, इसके पास दो ही आइडियल है, वन इज जीरो अनदर वन इज एफ, राइट। तो आप बताइए, कोई भी प्रॉपर आइडियल है ही नहीं एफ के पास जो जीरो को कंटेन कर सके, दो ही तो आइडियल है एफ और दिस। तो अगर जीरो को कोई कंटेन कर सकता है तो या तो जीरो या फिर एफ, और कोई आइडियल है ही नहीं, तो मैक्सिमल हो गया कि नहीं हो गया। ये मैक्सिमल हो गया, और ये मैक्सिमल हो नहीं सकता बाय डेफिनेशन, क्योंकि हमें प्रॉपर आइडियल चाहिए, राइट। तो आप ये भी बोल सकते हो कि एवरी फील्ड हैज एग्जैक्टली वन मैक्सिमल आइडियल, कैन बी से दैट, राइट। अभी जब आप आगे बढ़ोगे तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसे रिंग एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास केवल एक ही मैक्सिमल आइडियल हो और वो फील्ड ना हो, और अगर फील्ड है तो एक ही मैक्सिमल आइडियल होगा, इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। तो कुछ यहाँ पे प्रूफ करने की उसकी जरूरत नहीं है। जीरो इज ऑलवेज अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ एनी फील्ड एफ, एंड जीरो इज द ओनली मैक्सिमल आइडियल ऑफ एनी फील्ड एफ। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, जैसे ओके, इसको आपको क्या करना है, ये मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको वेरीफाई करेंगे दैट दिस इज जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, या फिर इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये दूसरा है, वो वाला नहीं है। तो ये जो है मैक्सिमल आइडियल है या नहीं, आप एक बार अपने आप से सोच के देखो और फिर बताओ मुझे। क्या कर रहे हैं हम, एफ सी जीरो कामा वन से, मतलब सी जीरो कामा वन से वो फंक्शंस ले रहे हैं जो दो पॉइंट पे बैनिस हो रहे हैं। एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ वन शुड बी जीरो इज द मैक्सिमल आइडियल ऑफ सी जीरो कामा वन। अगर ये एग्जाम्पल आप समझ जाओगे तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या मैक्सिमल आइडियल एक्चुअली क्या हो कह रहा है। तो इसको ध्यान से देखो, सी जीरो वन के वो फंक्शन हम ले रहे हैं जो दो पॉइंट पे बैनिस हो रहे हैं। What is your answer? आपको क्या लग रहा है, फिर हम डिस्कस करते हैं कि क्या ये मैक्सिमल आइडियल है या नहीं है C01 का। जल्दी से मुझे बताओ कि क्या आपको लगता है ये मैक्सिमल आइडियल है कि नहीं है। जब मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीजन है इसके पीछे, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ बहुत आसान है। आपका क्या नाम है, रूमपल, नहीं है, ओके, वेरी गुड। इट इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल। वट इज द रीजन, दिस इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल। वाई दिस इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल, बिकॉज C01 का हमारे पास एक ऐसा प्रॉपर आइडियल हो सकता है जो इसको प्रॉपरली कंटेन करेगा। It's very easy to see that. देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम वो फंक्शन ले रहे हैं जो दोनों पॉइंट पे बैनिश हो रहा है। तो एक आइडियल डिफाइन करते हैं आई डैश लेट में से, आई डैश इक्वल्स टू एफ बिलोंग्स टू सी जीरो कॉमा वन सच दैट, जो एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे बैनिश करा दो, लेट में से एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो। अब आप ये देख सकते हो कि प्रॉपरली दिस आई इज कंटेन्ड इनसाइड आई डैश, I is properly contained inside I dash, क्योंकि अगर आप I का कोई भी फंक्शन लेते हो वो दोनों पॉइंट पे वैनिश हो रहा है, पर I dash का फंक्शन होने के लिए केवल एक पे भी होगा तब भी होगा, पर जीरो पर तो हो ही रहे ना इसके फंक्शन, तो ये properly contained है। There will exist some functions जो कि जीरो और वन पे वैनिश होंगे, राइट, दोनों पे, तो जीरो पर तो वैनिश हो ही जाएंगे, पर ऐसे कुछ फंक्शन होंगे जो केवल जीरो पे हो रहे होंगे, वन पे नहीं हो रहे होंगे, राइट। जैसे मैं कंसिडर कर लेता हूं, लेट से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, राइट। अब ये फंक्शन अगर लोगे तो ये आई डैश का तो फंक्शन है, पर आई का फंक्शन नहीं है, राइट। सो आई इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन आई डैश एंड इट इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन सी जीरो कॉमा वन, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, देर एग्जिस्ट एन आइडियल, प्रॉपर आइडियल ऑफ सी जीरो कॉमा वन विच प्रॉपरली कंटेन्स आई, राइट। और ये आपका मैक्सिमल आइडियल के डेफिनेशन के अगेंस्ट है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए। इट मीन्स दैट आई इज नॉट अ मैक्सिमल आइडियल, हो गया, राइट। तो यहां से इस एग्जांपल से आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्या मैक्सिमल आइडियल एक्चुअली हो क्या रहा है, विच इंप्लाइज दैट आई इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर, मैक्सिमल आइडियल ऑफ C01। तो कभी भी आपको इस तरीके के अगर आइडियल लिया जाता है जहां पे दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स पे वैनिश हो रहा है फंक्शन, तो वो कभी भी आपका मैक्सिमल आइडियल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, उसका रीजन आपको दिख रहा है, क्योंकि हम एक आइडियल ऐसा डिफाइन कर सकते हैं जो कुछ पॉइंट्स एक पे, जैसे यहाँ पे दो है तो हमने डिफाइन कर लिया जो एक पॉइंट पे वैनिश हो रहे हैं वो इसको प्रॉपरली कंटेन कर रहे हैं, राइट। ऐसे ही अगर और ज्यादा पॉइंट पे वैनिश हो रहा है तो अगर एक भी पॉइंट आप कम कर दोगे तो फिर वो प्रॉपरली कंटेन कर लेगा आइडियल। आई होप इट इज क्लियर, राइट। सो दिस इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल। लेट्स लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। ओके, व्हाट आर मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ जेड। जेड के मैक्सिमल आइडियल क्या हो सकते हैं, जेड के आइडियल्स हमें पता है, कोई भी एमजेड टाइप का अगर हम सबरिंग लेते हैं, दिस इज एन आइडियल ऑफ जेड, आइडियल ऑफ जेड, यही केवल आइडियल से जेड के, राइट। तो मैक्सिमल आइडियल कब बनेंगे, शायद इनके बारे में आपको पता होगा, तो जल्दी से मुझे बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों ऐसा होता है।
एम पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, देन इट विल बी मैक्सिमल आइडियल ऑफ सेट। C01 में किस टाइप के फंक्शंस होते हैं? C01 में ऑल द कॉन्टिन्यूस फंक्शंस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल 0, 1, जो कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 में, वो C01 में फंक्शन है। अच्छा, ओपन अगर आप ले रहे हो तो फिर बाउंड्री पॉइंट को छोड़ के अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो वो होंगे। आई थिंक आप क्लोज्ड ही पूछ रहे हो, बस टाइप आपने ऐसे किया है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द कंडीशन ऑन एम, एम जेड इज ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड होने के लिए एम पे क्या कंडीशन होता है, ये मुझे बता दो, फिर एक्सप्लेन मैं करता हूं कि ऐसा क्या होता है, क्योंकि ये पता होना चाहिए वैसे। व्हेन एमजेड इज अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड, व्हाट इज द कंडीशन? अरे भाई कोई बता ही नहीं रहा, जल्दी बताओ ना। एम शुड बी प्राइम, अजीत राइट, एम शुड बी प्राइम। अगर एम प्राइम है देन इट विल बी अ मैक्सिमल आइडियल, इफ इट इज अ मैक्सिमल आइडियल देन एम शुड बी प्राइम, इट इज प्राइम, राइट? कृष्णा रामपल एंड जादव, प्राइम इज करेक्ट। So let me explain this why it is. So if you consider, let me say 6z. अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये maximal ideal है 6z, it is not a maximal ideal. क्यों? क्योंकि इसके factor 6 के हो सकते हैं, इसको properly 3z भी contain करता है, which is an ideal of z, proper ideal of z, right? 6z को 2z भी contain करता है, which is a proper ideal of z, right? तो अगर किसी भी factor यहाँ पे ऐसा हम ले रहे हो जिसके factor हो सकते हैं, तो वो जो factor है ना वो आपका एक आइडियल बना देगा जो कि प्रॉपर आइडियल होगा। जैसे कोई भी आपने एम कंसीडर किया विच इज नॉट प्राइम, जब प्राइम नहीं है तो प्रोडक्ट ऑफ सम प्राइम्स होगा, राइट? या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम इंटीजर्स, राइट? ए इंटू बी, एम इक्वल्स टू ए इंटू बी। तो जैसे आप एम जेड लोगे तो श्योरली दिस विल बी इन साइड ए जेड प्रॉपरली एंड विच इज अ प्रॉपर आइडियल ऑफ जेड, तो हो ही नहीं सकता। मतलब एम जेड इज अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड इफ एंड ओनली इफ एम इज प्राइम, यू कैन राइट इट समवेयर। ये तो प्रूफ हो गया कि अगर एम आप प्राइम ले रहे हो, प्राइम नहीं ले रहे हो तो नहीं हो सकता मैक्सिमल, और अगर प्राइम ले रहे हो तो ऑब्वियसली इट विल बी अ मैक्सिमल आइडियल। देयर इज नो आइडियल, प्रॉपर आइडियल ऑफ जेड विच कैन कंटेन, राइट? फॉर एग्जांपल इफ आई कंसीडर लेट मी से 2z, अब आप कोई भी बताइए, या फिर मैं 3z ले लेता हूं, 2z को ऐसा कोई भी आइडियल है जो कंटेन कर सके? है ही नहीं आइडियल जेड का, प्रॉपर आइडियल। सो इट इज अ मैक्सिमल आइडियल, राइट? सो एम जेड इज ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड, maximal ideal of z if and only if m is prime, अगर m prime है तो mz maximal ideal होगा, अगर mz आपको maximal ideal चाहिए तो m को prime लेना ही पड़ेगा। ठीक है, सिक्स क्लास फाइव, आई होप कि सबको ये क्लियर है। mz का अगर कोई भी ideal हमें चाहिए तो m has to be z का, अगर maximal ideal चाहिए then m has to be prime। Let's talk about the maximal ideals of mz, क्योंकि mz भी तो एक ring है। अब इसके मैक्सिमल आइडियल क्या होंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल आपसे अगर पूछूं, इफ आई आस्क यू व्हाट आर द मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ लेट मी से 12z, 12z क्या है, एक रिंग है 12z, अब इसके मैक्सिमल आइडियल क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ 12z? तो इसके मैक्सिमल आइडियल देखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके आइडियल्स कौन कौन से होंगे, देखो ओके 12z, या फिर इफ आई कंसिडर लेट मी से 12z, नहीं मैं इसको कर देता हूँ, इफ आई आस्क यू 3z, 12z के बारे में भी सोच सकते हैं बट इसको फिलहाल की रखते हैं, ठीक है? 3z के क्या मैक्सिमल आइडियल हो सकते हैं, कुछ आइडियल्स मैं लेता हूँ फिर आपको सोच रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई कंसीडर लेट मी से 12z, ये 3z का ही आइडियल है कि नहीं है, 3z का एक आइडियल है 12z, राइट? तो क्या ये 3z का मैक्सिमल आइडियल है? और भी मैं ले लेता हूँ लेट मी से 6z, ये भी 3z का एक आइडियल है, दिस इज ऑल्सो आइडियल ऑफ 3z, क्या ये मैक्सिमल आइडियल है 3z का, राइट? अगर आप 6z को देखोगे तो 6z को आप ऐसे लिख सकते हो 3 × 2z, राइट? 2 एक प्राइम नंबर है, राइट? यू कैन नॉट ब्रेक इट फर्दर, राइट? नाउ दिस इज अ मैक्सिमल आइडियल, ये आपका एक मैक्सिमल आइडियल है 3z का, मैक्सिमल आइडियल। अभी आपको समझ आएगा कि क्यों ये मैक्सिमल आइडियल है। तो अगर जब भी आपको mz का मैक्सिमल आइडियल देखना है देन mz का कोई भी mpz टाइप का अगर आप आइडियल लोगे, mpz वेयर दिस इज प्राइम नंबर, this is prime, okay, is a maximal ideal of mz, is a maximal ideal of mz, ये mz का maximal ideal होगा। अगर आप ये prime नहीं यहाँ पे consider करोगे तो नहीं होगा। देखो कैसे, इसको देखो 12z को, 12z जो है आपका, ये आपका 6z में भी contain करता है, right? And this is properly contained inside 3z, right? तो आपके पास ऐसे प्रॉपर आइडियल 3z के हैं जो कि 12z को प्रॉपरली कंटेन कर रहे हैं, राइट?
एमजेड का अगर कोई आपको मैक्सिमल आइडियल देखना है तो एम पी जेड टाइप का होगा, वेयर पी इज ए प्राइम नंबर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 12 को जब आप लिखोगे, 12 को 3 इंटू यहां पे क्या आएगा, 4 एंड देन जेड, राइट। अब ये 4 ब्रेक हो सकता है टू पार्ट्स में, 2 इंटू 2, और उसकी वजह से जो ब्रेक हुआ है वो आपका एक आइडियल बीच में दे देगा, 3z और 12z के बीच में। दिस इज द आइडिया, यू गॉट इट, ठीक है। तो अगर MZ का मैक्सिमल आइडियल देखना है वो कैसा होगा, MPZ टाइप का। एक एग्जांपल करते हैं और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। 20z इज द मैक्सिमल आइडियल ऑफ द रिंग, इनमें से किस z का आइडियल है मैक्सिमल आइडियल बनेगा 20z, सोचो और फिर बताओ मुझे जल्दी से। 20z इनमें से किन आइडियल्स का, जो आपको अभी ऊपर मैंने समझाया बस उससे आपको देखना है और फिर बताना है इनमें से किसका मैक्सिमल आइडियल बनेगा। इसको तो साइड में कर सकते हैं, 6z का ये इवन आइडियल ही नहीं है 20z, राइट। 20z के जो आप एलिमेंट्स लोगे वो 6z के तो एलिमेंट भी नहीं होंगे, तो ये तो हटा दो क्योंकि इसका तो आइडियल 20z है भी नहीं। 4z का आइडियल 20z है, 5z का आइडियल 20z है, z का भी आइडियल 20z है। इनमें से आपको बताना है कि किन का ये मैक्सिमल आइडियल बनेगा। तो z का भी हम आसानी से देख सकते हैं कि z का अगर मैक्सिमल आइडियल होता तो इसको प्राइम होना पड़ता, राइट। दिस इज नॉट प्राइम, नॉट प्राइम, जो चूंकि ये प्राइम नहीं है, अभी हमने पढ़ा है कि जेड का कोई भी मैक्सिमल आइडियल इट शुड बी प्राइम, राइट। एमजेड टाइप का होगा, वेयर एम शुड बी प्राइम, तो ये जेड का भी मैक्सिमल आइडियल नहीं है, 6z का तो आइडियल भी नहीं है, बचे कौन कौन से, 4z एंड 5z। कृष्णा एब्सोल्युटली करेक्ट, अजीत एंड आपका क्या नाम है कौशिक, ए इज करेक्ट, ए बी सी। अजीत क्या कर रहे हो भाई, सी का तो है भी नहीं आइडियल, ठीक है, ए इज करेक्ट। अगर 5z का देखोगे तो उसका भी नहीं बनेगा ये मैक्सिमल आइडियल, क्यों, क्योंकि जब आप 20z को किस में देख रहे हो, 5z का देख रहे हो, तो 5 को पहले रख लो, 5 इंटू 4 इंटू जेड। अब ये जो 4 आपको दिख रहा है, दिस इज नॉट प्राइम, दिस इज नॉट प्राइम, राइट। दैट्स वाई आपको एक आइडियल बीच में 2 को आप ब्रेक कर लो, 10z मिल जाएगा, राइट। मतलब 20z को प्रॉपरली आपको 10z कंटेन होता है इसके अंदर, और 5z जो है, 5z का ये प्रॉपर आइडियल 10z है, जिसका प्रॉपर आइडियल 20z है, मतलब एक आपको बीच में आइडियल मिल रहा है, तो इसका भी ये नहीं है, केवल इसका हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब आप 20z को ऐसे लिखोगे 4 इंटू यहां पे क्या आएगा, 5 एंड देन जेड। अब ये 5 जो आपको दिख रहा है, दिस इज प्राइम, यू कैन नॉट ब्रेक इट फर्दर, तो आपको कोई भी 20z और 4z के बीच में कोई आइडियल नहीं मिलेगा, राइट। सो ओनली ए इज करेक्ट, सपना राइट एंड अजीत राइट, ओके। उम्मीद है कि सबको क्लियर है, केवल ये 4z का मैक्सिमल आइडियल है 20z, बाकी इनमें से किसी भी रिंग का 20z मैक्सिमल आइडियल नहीं है, ठीक है। शुड बी मूव टू नेक्स्ट, मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ Zn, Zn के मैक्सिमल आइडियल और डिस्कस कर लेते हैं क्या होते हैं। तो Zn के मैक्सिमल आइडियल, ठीक है, क्या नाम है आपका, संदेश, ठीक है। मैक्सिमल आइडियल Zn के डिस्कस करने से पहले एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं, लेट मी कंसीडर Z6, ओके। Z6 में क्या क्या आता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, दिस इज अवर Z6। मैं अगर पूछूं इसके टोटल आइडियल्स कितने हैं Z6 के, तो Z6 के जितने भी सब ग्रुप्स हैं वो सारे कैसे हैं, आइडियल्स हैं, है ना। तो कितने सब ग्रुप्स हैं इसके, जितने Z6 के डिवाइजर्स हैं, और Z6 से बेहतर है, मैं बड़ा थोड़ा सा रिंग ले लेता हूं ताकि और बेहतर आपको मैं समझा पाऊं, ओके। इफ आई कंसीडर, लेट मी से Z12 में क्या एलिमेंट होंगे, 0, 1, 2, 3 अप टू 11, राइट, ओके। अब इसके पास कितने, जितने भी सब ग्रुप्स होंगे वो सारे सब रिंग होंगे, और सारे सब रिंग्स कैसे बनेंगे, आइडियल्स बनेंगे। क्या 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 होंगे, 12 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1, 2, 3, 4 एंड 6 देन 12, राइट। तो ये सारे आइडियल्स बन जाएंगे, इनके करिस्पॉन्डिंग आप आइडियल बना सकते हो। सबसे पहले 1Z12 बनाओगे, विच इज नथिंग बट Z12, 1Z12 एक आइडियल बनेगा, एक 2Z12 एक ये आइडियल बन जाएगा, राइट। एंड 1Z12 तो आपको पता ही है पूरा Z12 है, 2Z12 अगर हम निकाले तो क्या बनेगा आपका, 0, 2, 4, 6 एंड 8 एंड 10 आल्सो, इसमें 10 भी आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, 3Z12 हम निकाल सकते हैं, 3Z12 निकालेंगे तो क्या आएगा, 0, 3, 3, 2 जा 6, 3, 3 जा 9 एंड बस ये चार ऑर्डर का आपका आ गया, राइट। फिर उसके बाद में हम 4Z12 निकाल सकते हैं, 4Z12 निकालेंगे तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, देखो जरा, 0, 4 एंड 8, उसके बाद में 6Z12 निकालेंगे तो 6Z12 क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 0, 6 एंड फिर उसके बाद में 12Z12 विच विल गिव यू ओनली 0,
12, Z12, which will give you only 0. These are all the ideals of Z12. ये सारे ideals हैं. अब इनको जरा ध्यान से देखो. कृष्णा 4 ideals, ठीक है. ओके, वी विल सी दैट. फाइन, चलिए तो एक एक करके देखते हैं. पहले अगर क्या ये मैक्सिमल, ये खुद अपने आप का तो मैक्सिमल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इम्प्रॉपर कैन नॉट बी अ मैक्सिमल आइडियल. तो ये Z12 का मैक्सिमल आइडियल नहीं है. लेट्स लुक एट 2Z12. 2Z12 के ये एलिमेंट्स है 0, 2, 4, 6, 8, 10. क्या इनमें से किसी भी आइडियल के अंदर ये कंटेन है 2Z12? Z12 को छोड़ के नहीं है, राइट? सो व्हाट डज इट मीन? दिस इज अ मैक्सिमल आइडियल, दिस इज मैक्सिमल. अभी आपको समझ आएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. 2Z12 एक मैक्सिमल आइडियल है, क्योंकि बाकी किसी आइडियल के अंदर ये कंटेन नहीं करता है. व्हाट अबाउट 3Z12? 3Z12 में 0, 3, 6, 9 किसी में ये कंटेन है? देखो जरा, पूरे ये सारे एलिमेंट किसी भी आइडियल में आ रहे हैं? नहीं आ रहे. सो दिस इज आल्सो मैक्सिमल, दिस इज आल्सो मैक्सिमल आइडियल ऑफ 3Z12. व्हाट अबाउट नेक्स्ट? अगर 4Z12 देखोगे तो 0, 4, 8 ये पूरा का पूरा 0, 4, 8 ये किसके अंदर है? 2Z12 के अंदर आ रहा है. सो इट कैन नॉट बी मैक्सिमल, दिस इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल, क्योंकि ये पूरा इसके अंदर आ रहा है. दिस इज अ प्रॉपर आइडियल. ये Z12 का प्रॉपर आइडियल है, ये पूरा आपका इसको कंटेन करता है. सो इट इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल. व्हाट अबाउट दिस 6Z12? ये भी आपका नहीं है, क्योंकि ये पूरा आपका इसके अंदर आ रहा है 3Z12 के अंदर. तो ये भी मैक्सिमल नहीं है, राइट? जीरो आपका क्या ये होगा? ये तो कई आइडियल्स इनके सबके अंदर ही है जीरो, तो ये हो नहीं सकता इसका मैक्सिमल आइडियल. तो देयर आर ओनली 2 मैक्सिमल आइडियल्स, दिस एंड दिस. इसके अलावा और कोई भी मैक्सिमल आइडियल नहीं है, है ना? अब आप नोटिस करो कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैक्सिमल आइडियल है. 2 आपका 12 को डिवाइड कर रहा था, और ये प्राइम डिवाइजर है 2 × Z12, राइट? तो हर एक प्राइम डिवाइजर के करेस्पॉन्डिंग एक मैक्सिमल आइडियल आपको मिल रहा है. 3 एक है आपका प्राइम, उसको डिवाइड कर रहा है, तो 3Z12 क्या बना? एक आपका मैक्सिमल आइडियल बन गया. इस इज हाउ, अगर आपके पास जेडन का आपसे मैक्सिमल आइडियल पूछा जाए तो आपको क्या देखना है? एन का प्राइम डिवाइजर देखना है, तो P × Zn ये क्या बन जाएगा? दिस इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ Zn, मैक्सिमल आइडियल ऑफ Zn इफ एंड ओनली इफ पी इज ए प्राइम डिवाइजर ऑफ एन, पी इज ए प्राइम डिवाइजर ऑफ एन, ठीक है? अगर ये प्राइम डिवाइजर एन का है तो PZn आपका मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा. अगर मैक्सिमल आइडियल बन रहा है तब क्या होगा? वाइस आई थिंक रंपल आ रहा होगा बाकी सबको, ठीक है? आई थिंक फ्रॉम माई एंड एवरीथिंग इज फाइन. आपने कमेंट डिलीट कर दिया, मतलब शायद वॉइस आ रहा होगा अभी, है ना? ओके, तो Zn का अगर मैक्सिमल आइडियल हमें देखना है तो कैसा होगा? PZn टाइप का, वेयर P इज सम प्राइम डिवाइजर ऑफ N. और अगर आपके पास ऐसा प्राइम है तो उसके करेस्पॉन्डिंग मैक्सिमल आइडियल बनेगा. अगर ये मैक्सिमल आइडियल बन रहा है, इट मींस दैट P हैज टू बी अ प्राइम डिवाइजर ऑफ N. इसका मतलब हम Zn के सारे मैक्सिमल आइडियल्स को हम काउंट कर सकते हैं, एंड वी कैन राइट इट एज नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ Zn. तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ Zn, मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ Zn इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ N, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ N. N के जितने प्राइम डिवाइजर्स होंगे उतने ही Zn के क्या हो जाएंगे? मैक्सिमल आइडियल हो जाएंगे. इज इट ओके आर नॉट? ठीक है, उम्मीद है कि सबको क्लियर है. नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल ऑफ Zn कितने होंगे? नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ N. तो इसका जल्दी से मुझे आंसर बताओ. फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ Z10. Z10 के कितने मैक्सिमल आइडियल होंगे और उसके साथ में क्या क्या मैक्सिमल आइडियल होंगे वो भी आपको कमेंट करके बताना है. ठीक है, पहले तो आप मुझे नंबर बताओ कि Z10 के पास कितने मैक्सिमल आइडियल्स है, जल्दी से बताओ कमेंट करके. Z10 के पास कितने मैक्सिमल आइडियल्स है, और फिर आपको वो मैक्सिमल आइडियल भी बताने हैं. दिख रहा है क्वेश्चन? नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ Z10, जितने भी लोग देख रहे हो सबका आंसर आना चाहिए, क्योंकि कुछ इसमें है नहीं मुश्किल, है ना? कृष्णा 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड. जादव गुड, 2 इज करेक्ट, फाइन. एंड व्हाट आर दोज आइडियल्स? जो लोग 2 आंसर करें आपको आइडियल भी बताना चाहिए कि कौन से हैं. बाकी लोग बताइए ना जल्दी से. राइट, कौशिक, अजीत, रंपल, राइट, 2 इज करेक्ट. एंड व्हाट आर दोज आइडियल्स, अगर वो भी आपको बताना हो तो. अचीना, राइट, 2 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट. क्या नाम है आपका? MIR उमेर, SSC क्लास, कौशिक, जादव, पल्लवी, 2 इज करेक्ट. एंड अच्छा, ये आपने आइडियल्स बताए Z2 एंड Z5. आई थिंक ठीक है, आपने लिखा है, बट इट शुड बी 2Z10
एंड 5Z10 जो कि जादव ने लिखा है, एब्सोल्युटली करेक्ट, कृष्णा राइट है ना, 5Z10 एंड 2Z10, आई गॉट इट, पल्लवी रामपाल राइट। तो इसके 10 के अगर मैं देखूंगा नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल क्या होंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ Z10, मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ Z10 इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 10 के प्राइम डिवाइजर्स, 10 को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, 2 × 5, 2 और 5, ये दो प्राइम डिवाइजर है राइट, सो इट इज इक्वल्स टू 2, और जो प्राइम डिवाइजर आपको मिल रहा है उसके करेस्पॉन्डिंग आप आइडियल बना सकते हो, विच इज 2 × Z10, 5 × Z10, दीज आर द ओनली 2 मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ Z10, इनके अलावा और कोई भी आइडियल आप निकालोगे इट विल नॉट बी अ मैक्सिमल आइडियल। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि अभी Zn के मैक्सिमल आइडियल आपको समझ आ गए, Z के मैक्सिमल आइडियल क्या है वो आपको समझ आ गए, ठीक है, जो अभी कुछ ऐसे रिंग्स होंगे शायद अभी आपको ना समझ आ रहा हो कि मैक्सिमल आइडियल कैसे देखना है, जब आप क्वेश्चन ट्रिंग पढ़ोगे तो फिर बहुत आसान हो जाएंगी चीजें, वहां पे एक रिजल्ट है R/I इज ए फील्ड इफ एंड ओनली इफ I इज अ मैक्सिमल आइडियल, तो जब क्वेश्चन ट्रिंग पढ़ेंगे तो और चीजें आसान हो जाएंगी। फिलहाल कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, लेट्स से इफ n डिनोट्स द नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ Zp²Q वेयर p एंड q आर प्राइम्स देन द वैल्यू ऑफ n कैन बी, इसका आंसर जल्दी से मुझे बताओ कि क्या आएगा, n क्या डिनोट कर रहा है, Zp²Q के, p एंड q दे आर प्राइम्स, ओके ये प्राइम्स हैं, हमें नहीं पता कि ये इक्वल है कि अनइक्वल है, अब आपको बताना है कि इसके पास कितने मैक्सिमल आइडियल्स होंगे, जल्दी से बताओ मुझे कितने हो सकते हैं मैक्सिमल आइडियल्स, व्हाट विल बी योर आंसर, सी, सी मींस 2, ओके फाइन, और बताइए बाकी लोग, सी रामपाल ठीक है, सी के अलावा और थोड़ा सोच के देखो कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि पी के ऊपर हमें कोई कंडीशन नहीं दी है, पी क्यू के ऊपर ठीक है, ज्यादा 2 इज करेक्ट बाय द वे, सी इज करेक्ट, बट कुछ और भी ऑप्शन हो सकता है क्या, पल्लवी राइट 2 इज करेक्ट, क्योंकि पी क्यू के ऊपर कोई कंडीशन हमें नहीं दिया है वेदर दिस इज इक्वल आर नॉट, तो थोड़ा सा अपने आप सोच के देखो कि क्या हो सकता है, और 6 सी इज करेक्ट फाइन, उमर सी इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग राइट कृष्णा, अगर इक्वल है देन इट कैन बी बी आल्सो राइट, इक्वल देन बी, डिस्टिंक्ट देन सी, तो बी और सी एक्चुअली दोनों करेक्ट है ना, Z2 Z3, आई डिडंट गेट व्हाट डज इट मीन कौशिक, तो Zp²Q जब आप देखोगे, अभी हमने पढ़ा कि अगर लेट्स से p नॉट इक्वल्स टू q, क्यू अगर मैं कंसीडर कर लेता हूँ, इफ p नॉट इक्वल्स टू q, तो p²Q के प्राइम डिवाइजर्स कितने हो गए, 2 डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर हो गए, 1 इज p अनदर इज q राइट, तो नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल कितने हो जाएंगे, विच इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल विच इज n इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 प्राइम डिवाइजर्स है p एंड q, आर द प्राइम, आर द 2 डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स ऑफ, डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स ऑफ, डिवाइजर्स ऑफ p²Q, पर अगर ये इक्वल हो गए राइट, इफ p इज इक्वल्स टू q, ऐसा कुछ कंडीशन तो उन्होंने दिया नहीं था, तो अगर p इक्वल्स टू q हो जाएगा तो p²Q इज नथिंग बट p³, अब p³ को कितने प्राइम डिवाइड करते हैं, 1, तो बस मैं यही पूछ रहा था आपसे, ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, सो 1 कैन आल्सो बी द आंसर, अगर p इक्वल्स टू q होगा, अगर p नॉट इक्वल्स टू q देन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, ओके सपना राइट, अजित राइट, ओके इज इट ओके, क्लियर है सबको, तो मैक्सिमल आइडियल इसके पास कितने हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन p एंड q, अगर p एंड q इक्वल नहीं है देन इट इज 2, अगर p और q इक्वल है तब इसके पास एक ही होगा, और इवन आप बता भी सकते हो क्या क्या होंगे, जैसे जब यहां पे इक्वल नहीं है उस केस में 2 हमें मैक्सिमल आइडियल क्या मिलेंगे, p Zp²Q राइट, एंड एक और क्या मिलेगा, q Zp²Q, दीज आर द 2 मैक्सिमल आइडियल्स राइट, और अगर p इक्वल्स टू q है इस केस में हमें क्या मिलेगा, केवल एक मिलेगा विच इज p Zp²Q या फिर सिंपली p³ हो जाएगा, ये Zp³, इज इट ओके, ठीक है बहुत अच्छी बात है, क्लियर है, नाउ लेट्स मूव अहेड, ओके देयर इज अ नोट, ए फील्ड हैज, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फील्ड, जब मैंने बताया था कि 0 मैक्सिमल आइडियल होता है किसी भी फील्ड एफ का, तो मैंने बोला था ए फील्ड हैज एग्जैक्टली 1 मैक्सिमल आइडियल, कोई भी अगर फील्ड है तो उसके पास केवल एक ही मैक्सिमल आइडियल होगा, इसमें कुछ वेरीफाई करने की जरूरत है, बताइए फील्ड है, फील्ड के पास 2 ही आइडियल होते हैं, अगर ये फील्ड है तो एक 0 है
एंड एक एफ है, राइट। ये मैक्सिमल आइडियल हो नहीं सकता बाय डेफिनेशन, बचा कौन, ये और ये मैक्सिमल आइडियल होगा ही होगा क्योंकि इसको कोई कंटेन करता नहीं है प्रॉपर आइडियल, राइट। तो कोई भी अगर फील्ड है इट विल हैव एग्जैक्टली वन मैक्सिमल आइडियल, ओके। बट इसमें स्पेशल क्या है, बट इफ ए रिंग हैज एग्जैक्टली वन मैक्सिमल आइडियल देन इट मे नॉट बी ए फील्ड। तो अगर कोई ऐसा रिंग है जिसके पास एग्जैक्टली वन आइडियल है तो जरूरी नहीं कि वो फील्ड हो, फील्ड है तो वन आइडियल होगा, वन आइडियल है तो जरूरी नहीं कि फील्ड हो। तो मैं आपसे एक ऐसा एग्जाम्पल जानना चाहूंगा कि ऐसा रिंग जिसके पास केवल एक ही मैक्सिमल आइडियल हो, केवल एक मैक्सिमल आइडियल हो एंड एग्जैक्टली वन मैक्सिमल आइडियल बट इट इज नॉट ए फील्ड, व्हाट विल बी योर आंसर? वी आर लुकिंग फॉर ए रिंग विच हैज एग्जैक्टली वन मैक्सिमल आइडियल बट स्टिल इट इज नॉट ए फील्ड। डू यू हैव एन एग्जाम्पल? लेट मी सी कौन आंसर करता है। अगर आपने पीछे जो मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ उनको अच्छे से आपने ऑब्जर्व किया हो चीज़ों को, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो। वेरी गुड कृष्णा, एब्सोल्युटली राइट, राइट। जेड फोर कैन बी द आंसर, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं रिंग्स। जेड फोर एक हमारे पास है, जेड फोर के पास अगर आपसे मैं पूछूं कि कितने मैक्सिमल आइडियल है, क्योंकि फोर का प्राइम डिवाइजर एक ही है विच इज टू, तो इसके पास टू जेड फोर एक ही मैक्सिमल आइडियल है बट इट इज नॉट ए फील्ड। जेड एन भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, राइट। जेड एट कैन ऑल्सो बी कंसिडर, जेड एट अगर आप कंसिडर करते हो, एट को कितने डिवाइजर है, एट के पास प्राइम डिवाइजर एक ही है, तो टू जेड एट इज द ओनली मैक्सिमल आइडियल बट जेड एट इज नॉट ए फील्ड, वी नो दिस, राइट। जेड सिक्सटीन ऑल्सो वी कैन कंसिडर, जेड नाइन ऑल्सो वी कैन कंसिडर। तो जेड एन में जहां पे भी केवल प्राइम डिवाइजर एक होगा, पी टू द पावर एन टाइप का ले लेंगे, तो उसके पास एक ही प्राइम डिवाइजर है, मतलब एग्जैक्टली वन मैक्सिमल आइडियल है बट इट विल नॉट बी ए फील्ड। ये तो क्लियर है कि फील्ड नहीं है, क्योंकि फील्ड जेड एन कब होता है, जेड एन इज ए फील्ड, इज ए फील्ड इफ एन इज प्राइम। तो पी टू द पावर एन टाइप का हो तो फील्ड नहीं होगा ना, तो वी कैन हैव मैनी रिंग्स, राइट। जेड फोर यू कैन कंसिडर, आपने जेड एट लिया वो भी ले सकते हो, इवन जेड नाइन ले सकते हो, जेड सिक्सटीन या कोई भी ऐसा पी टू द पावर एन टाइप का, दे हैव एग्जैक्टली वन आइडियल, एग्जैक्टली वन आइडियल बट दे आर नॉट फील्ड, वन मैक्सिमल आइडियल, राइट, मैक्सिमल आइडियल, वन मैक्सिमल आइडियल बट दे आर नॉट फील्ड, बट दे आर नॉट फील्ड्स, इज इट ओके? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं मैं आपके साथ, और देन वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द प्राइम आइडियल और उनसे कुछ रिजल्ट्स रिलेटेड, जैसे मैक्सिमल कब प्राइम होता है, कब प्राइम मैक्सिमल होता है, कब इफ एंड ओनली इफ होता है, और भी क्या क्या चीजें हो सकती है, उन सब पे हम बात करेंगे, ठीक है। जेड टू इज ए फील्ड चीना, राइट। जेड टू अगर हम कंसिडर करेंगे, जेड टू इज ए फील्ड, हालांकि उसके पास मैक्सिमल आइडियल एक ही है बट इट इज फील्ड एज वेल, राइट। हाँ, वही कौशिक, ठीक है, बताया आपको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ जेड एट्टीन, जेड एट्टीन के इनमें से, राइट, ठीक है, जेड एट्टीन के इनमें से कौन से मैक्सिमल आइडियल्स को बताना है, और बहुत ही आसान है, अभी वही तो करते हुए आ रहे हो आप तक से। जेड एट्टीन के कौन कौन से मैक्सिमल आइडियल्स है, जल्दी से कमेंट करके बताओ आंसर। ए बी, ओके, फाइन, टू एंड थ्री, एब्सोल्युटली करेक्ट कृष्णा, राइट, दीज आर द ओनली टू, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। जैसे जेड एट्टीन खुद अपने आप का मैक्सिमल हो नहीं सकता, इसको हटा ही दो, राइट, क्योंकि ये सिक्स, इट इज अ डिविजर ऑफ 18 बट इट इज नॉट ए प्राइम डिविजर ऑफ 18, सो दिस कैन ऑल्सो नॉट बी अ मैक्सिमल आइडियल, ओके। दिस इज अ मैक्सिमल आइडियल बिकॉज 3 डिवाइड्स 18 एंड 3 इज ए प्राइम डिविजर ऑफ 18, सो दिस इज अ मैक्सिमल आइडियल। 2 इज अ डिविजर ऑफ 18 एंड इट इज अ प्राइम डिविजर, सो दिस इज ऑल्सो ए मैक्सिमल आइडियल। सो दीज आर टू मैक्सिमल आइडियल्स, ए बी इज करेक्ट, रंपल, पल्लवी, अजीत, कौशिक, उमर, राइट। ओनली सी मीन्स वट, अरे ओनली सी नहीं, वो है नहीं है मैक्सिमल आइडिया, ये तो आपका 6 डिवाइड करता है बट इट इज नॉट अ प्राइम डिविजर, सो इट इज नॉट, है ना। आई होप यू गॉट इट, सपना, राइट, ओके, फाइन, नाउ लेट्स मूव अहेड, ओके। तो एक क्वेश्चन ये भी कर लो, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ जेड एट क्रॉस जेड टेन, जेड एट क्रॉस जेड टेन के पास कितने मैक्सिमल आइडियल्स है, लेट बी सी आप आंसर क्या करते हो एंड देन वी विल सी। अगर मैं आपसे आपको बताऊ सर, इसमें जेड पी एन नहीं लेंगे, मैं समझा नहीं, जेड पी एन नहीं लेंगे, जेड पी एन नहीं लेंगे, मैं समझा नहीं, जेड पी एन नहीं लेंगे मतलब,
इसके मैक्सिमल आइडियल मुझे बताइए कितने होंगे। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके पास मैक्सिमल आइडियल कितने हैं? इसके पास केवल एक मैक्सिमल आइडियल है, राइट। इसके पास कितने मैक्सिमल आइडियल है? क्योंकि 8 को 8 के पास प्राइम डिवाइजर्स कितने हैं? 1, राइट, व्हिच इज 2। 10 के पास 2 है, तो इसके पास 2 मैक्सिमल आइडियल है। तो क्या हम यहां से कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि Z8 क्रॉस Z10 के पास कितने मैक्सिमल आइडियल्स होंगे? व्हाट विल बी योर आंसर? Z8 क्रॉस Z10 के पास प्रीवियस रिजल्ट्स, हाँ ठीक है, प्रीवियस रिजल्ट में, बट मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो। हाँ वही तो हम कह रहे हैं, देखो Z18 के पास, 18 को अगर आप लिखोगे तो दिस इज 2 × 3^2। एम आई राइट? तो प्राइम डिवाइजर्स क्या है? 2 और 3, दीज आर द ओनली, सो 2Z18 and 3Z18, दीज आर द ओनली मैक्सिमल आइडियल्स। इसके अलावा 6 इसको डिवाइड करे, बट 6 इज नॉट ए प्राइम, सो इट इज नॉट ए प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, राइट। ओके, 1 × 2, विच इज 2, ओके फाइन, ठीक है, यादव 2 करेक्ट होगा इसका आंसर, हाँ हाँ फाइन, और कोई बताएगा? सपना ठीक है, फाइन, सबको 2 लग रहा है, किसी को कम ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है मैक्सिमल आइडियल। टू ही मैक्सिमल आइडियल होंगे इसके पास। ओके, सो व्हाट वी डू इज, लेट्स थिंक अबाउट द आइडियल्स, कौन से हम बना सकते हैं। Z8 के पास आइडियल कौन सा है? Z8 के पास आइडियल है 2Z8, मैक्सिमल आइडियल, राइट। ओके, और इसके पास जो आइडियल्स है वो कौन से है? 2Z10 एक है, और एक कौन सा है? 5Z10 है, 5Z10 है। अब इनकी हेल्प से, इधर एक आइडियल है, इनकी हेल्प से अपने को क्या करना है? इसका आइडियल बनाना है। तो देखो कैसे आइडियल बनाएंगे, इधर से आइडियल ले लो 2Z8, ओके, और इधर से पूरा Z10 ले लो। ये आइडियल है कि नहीं है बताइए? दिस इज एन आइडियल ऑफ दिस रिंग, दिस इज एन आइडियल ऑफ दिस रिंग, राइट, and be, you can show that this is a maximal ideal because this is a maximal ideal here, right? Now uske baad kya karte, idhar z8 pura le lo, right, idhar se 2z10 le lo, this is also a maximal ideal because 2z10 is a maximal ideal. Fir kya karenge, idhar se z8 pura le lo aur idhar se maximal ideal kya le lo, 5z10. ये 3 केवल मैक्सिमल आइडियल हैं आपके, इसके अलावा कोई भी नहीं है। अब शायद सबके दिमाग में यही आ रहा होगा कि यहां से 2Z8 और यहां से हमने 2Z10 या फिर 5Z10 ये क्यों नहीं लिया, 2Z8 और यहां से लेट मी से 2Z10, ये भी तो एक आइडियल है, क्या ये मैक्सिमल नहीं बन सकता? बट दिस इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल, व्हाई? बिकॉज दिस इज कंटेन्ड इन वन ऑफ देम। देखो किस में कंटेन होगा, ये इसके अंदर है कि नहीं है, ये एक प्रॉपर आइडियल है इसका, और ये पूरा इसके अंदर कंटेन करता है। इट इज कंटेन्ड, प्रॉपरली कंटेन्ड इनसाइड 2Z8, एंड वी कैन कंसीडर Z8 क्रॉस, यू कैन कंसीडर 2Z10। तो ये कैसे मैक्सिमल आइडियल हो सकता है? दिस इज इवन नॉट ए मैक्सिमल आइडियल इन द सेम वे, यही केवल 3 मैक्सिमल आइडियल है। अभी क्लियर है सबको, ठीक है, अजय दैट कृष्ण, बाकी लोगों को भी उम्मीद है कि क्लियर होगा। तो ये नंबर क्या करना है, एक्चुअली सम कर देना है। जब भी आपको R1 क्रॉस R2 में आइडियल्स पूछे जाए, मैक्सिमल आइडियल्स, राइट, मैक्सिमल आइडियल्स, तो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स, लेट मी से M1 प्लस नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स इन R2। ओके, सो वी नीड टू सम दिस। और क्यों? इसलिए अगर ऐसे ही आप 2Z8 क्रॉस 5Z10 बनाने की कोशिश करें तो वो भी मैक्सिमल आइडियल नहीं बनेगा। जैसे 2Z8 क्रॉस 5Z10 लेट मी से, राइट, क्या लगता है ये मैक्सिमल आइडियल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये किस में कंटेन करता है? अगर मैं इधर Z8 ले लूं, इधर 5Z10 ले लूं, सो दिस इज प्रॉपरली कंटेन्ड इनसाइड Z8 क्रॉस 5Z10, राइट, ये एक प्रॉपर आइडियल है इसका, और ये प्रॉपरली कंटेन कर रहा है इसको, तो कैसे ये मैक्सिमल, ये वाला मैक्सिमल हो ही नहीं सकता, राइट। सो दिस इज द आइडिया, ओके, 2Z8, आई थिंक यही बात कर रहे जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। अभी कौन से क्लियर है आपको मैथ्स? ठीक है, तो ये भी आपका मैक्सिमल आइडियल नहीं बन सकता, बिकॉज दिस इज आल्सो कंटेन्ड इनसाइड दिस प्रॉपर आइडियल, सो इट इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल। दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक। ओके चलो, 18Z इज ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ द रिंग, 18Z इनमें से किस रिंग का मैक्सिमल आइडियल है? जल्दी से इसका आंसर बताओ, एंड देन एक होमवर्क में मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आपको करके कमेंट करके बताना है। ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताओ। और मैं जब भी क्वेश्चन आपसे होमवर्क में पूछता हूं तो आप कमेंट करके हर एक आंसर बताया करो। आपका किसी का मुझे आंसर नहीं दिखा कल, जितने भी लोग थे, ठीक है, कृष्णा, रामपाल, सपना, कौशिक, आप सबका दिखना चाहिए मुझे, ठीक है, आंसर। और केवल एस नो में आंसर देना है, अगर आपको लॉजिक अच्छा लग रहा है बताना है तो बता सकते हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। कौशिक बी इसका होगा, ओके फाइन, और बताइए बाकी लोग, इनमें से किस रिंग का 18Z मैक्सिमल आइडियल है? 3Z का, ठीक है फाइन, बाकी लोग और बताइए सब, ठीक है।
एक्चुअली 3z का मैक्सिमल आइडियल नहीं है ये, ठीक है, 3z का मैक्सिमल आइडियल नहीं है। बाकी और कौन बता रहा है? ठीक है, ए शायद किसने बताया, कृष्णा ने ए, ठीक है सॉरी ए का होगा, हाँ ठीक है फाइन। बी ए, मतलब कन्फ्यूजन हो रहा है आपका, याद है मैंने क्या बताया था, एम पी जेड इज द मैक्सिमल आइडियल ऑफ, इज द मैक्सिमल आइडियल ऑफ एम जेड, आइडियल ऑफ एम जेड, एम जेड का अगर मैक्सिमल आइडियल देखना है तो वो एम पी जेड टाइप का ही होगा, ठीक है। तो अगर आप इसका लेट से यहां से शुरू करते हैं, 7z का तो इवन ये 18z आइडियल भी नहीं है, तो इसको तो साइड में ही कर दो, देयर आर एलिमेंट्स इन 18z व्हिच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ 7z, तो ये आइडियल भी नहीं है, तो उसको तो हटा ही दो ना। दीपक भाई क्या कर रहे हो, ये डी कैसे आंसर कर दिया, ये तो आइडियल भी 7z का 18z नहीं है, है ना। पल्लव भी ए, कौशिक सिक्स, 3z, एम आर ठीक है, रमोल सपना, लेट्स सी आपको क्लियर हो जाएगा कि किसका है। जेड का अगर मैं बात करूं 18z, क्या ये मैक्सिमल आइडियल होगा, जेड का तो हो ही नहीं सकता, सी अभी हमने बात किया, क्यों, क्योंकि जेड का मैक्सिमल आइडियल होने के लिए दिस हैज टू बी प्राइम नंबर बट दिस इज नॉट ए प्राइम, ये इसका नहीं हो सकता, इसका भी नहीं है तो इसका भी नहीं है। 3z का भी 18z प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं 18z को लिखता हूं और किसका हमें 3z का चाहिए, तो m मैं अलग कर लेता हूं, 3 बाद में बचा क्या, 3 into 6 z, राइट। नाउ 6 दिस इज नॉट प्राइम, दिस इज नॉट प्राइम, दैट्स व्हाई दिस 18z इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ 3z, बिकॉज इफ यू सी दैट 3 into 6 को ब्रेक कर लो 3 into 2, राइट, तो यू कैन कंसिडर 6z। अब ये 6z जो है ये प्रॉपरली कंटेन करता है 18z को और ये प्रॉपरली कंटेन्ड है किसमें, 3z में, तो 3z का 18z कैसे मैक्सिमल आइडियल हो सकता है, क्योंकि इसके बीच में 6z आइडियल आपको दिख रहा है, राइट। सो दिस इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल, बीच में प्राइम आना चाहिए था। अब अगर आप 6z देखोगे तो इसका ये मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा, राइट, क्योंकि 18 को जब आप लिखोगे 18 = 6 × 3 एंड देन जेड, ये आपको प्राइम मिल रहा है, राइट। तो जब आप 18z लोगे और इधर यहाँ पे क्या लोगे, लेट मी से 6z, तो 6z और 18z के बीच में कोई भी और आइडियल आपको नहीं मिलेगा, प्रॉपर आइडियल कोई भी नहीं मिलेगा। इसलिए अभी क्लियर है, तो आपको जिस आइडियल इसका 6z का देखना था तो 18 को 6 × समथिंग ब्रेक करो, तो अगर वो प्राइम नंबर आ गया देन इट इज गुड, अगर नहीं आया तो फिर मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। इज इट ओके और नॉट, तो दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक। इसीलिए मैंने आपको MZ के भी आइडियल्स देखना बताया, अगर नहीं आपको ये पता होगा तो फिर नहीं बता पाओगे, है ना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट प्राइम आइडियल्स। ये आपको क्वेश्चन करना है और कमेंट करके आंसर बताना है, पहले तो एस नो में, और अगर आप लॉजिक बताना चाहते हो तो बहुत अच्छा होगा। इज आई इक्वल्स टू, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने देखा था कि आइडियल है, उसी को बस मैंने पूछा है कि क्या ये मैक्सिमल आइडियल है C01 का या फिर नहीं है, ठीक है। एस नो में पहले कमेंट करके आंसर बताना है, अगर आपको लॉजिक एक्सप्लेन करना है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट प्राइम आइडियल्स एंड मैक्सिमल के साथ उन सारी चीजों पर अपन बात करेंगे, ठीक है। टेक केयर एवरीवन एंड सी यू देयर इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर।